बॉलीवुड की उभरते सितारों में से एक कहे जाने वाले मृणाल ठाकुर आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्ट्रेस ने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फेम को पाने के लिए मृणाल ने अपने लाइफ में कितना कुछ सहा है, साथ ही कितना कुछ गवाया भी है। बहुत कम लोग तो इस बात को जानते होंगे कि मृणाल के एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, और अब इस बात का खुलासा खुद मृणाल ठाकुर ने ही कर दिया है। दरअसल एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात करती हुई देखी गई थी, जहां इस दौरान मृणाल यह कहते दिखी थी कि वो भाग गया था। वो कहता था कि तुम बहुत इम्पल्सिव हो, मैं इससे डील नहीं कर सकता। तुम एक एक्ट्रेस हो, मैं इस चीज से भी डील नहीं कर सकता हूँ। खैर, मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत ही रूढ़िवादी बैकग्राउंड से आता है और मैं उसे ब्लेम नहीं देती हूँ। मुझे लगता है कि ये उसकी परवरिश की वजह से है। खैर, एक तरह से अच्छा है कि ये सब खत्म हो गया, क्योंकि फ्यूचर में जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो उसकी परवरिश और मेरी परवरिश हमारे बच्चे के लिए एक जैसी नहीं होती। बच्चों की हालत ऐसी होती कि ये क्या हो रहा है। हालांकि मृणाल अब अपने मेहनत और जज्बे से इंडस्ट्री की होनहार एक्ट्रेस में से एक कही जाती है। बता दें कि मृणाल ने छोटे पर्दे के साथ साथ बॉलीवुड में भी अब अपनी पकड़ बना ली है, जहां मृणाल ने बॉलीवुड में एंट्री इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर शाहिद कपूर के साथ फिल्म जर्सी से की थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिल्म में मृणाल की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। वहीं हाल ही में मृणाल ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल से भी अपना डेब्यू किया था, जहां मृणाल ने अपने लुक से हर किसी को दीवाना बना दी थी। इसी के साथ अब उनके हाथ में पूजा मेरी जान, पीपा, आंख में चोली, नानी 30 जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। लेकिन आपको मृणाल एज एक्ट्रेस कितनी पसंद है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब की इस दिल्ली से। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।